नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं टूटे हुए यूनियन यानी कि सबमर्सिबल बोर का जो यूनियन है जो दिखाई दे रहा है आपको, वो यूनियन टूटे वाला है, उसको चेंज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रहा टूटे वाला यूनियन दिखाई दे रहा है आपको, उसको निकालेंगे पहले, ठीक है। अब उसको ग्राइंडर से उसको काटना पड़ता है। पहले तो सीधा बीच में से काटना पड़ेगा, फिर अड़वाया पीछा थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। तो पहले वाला पाइप जो है वो कट ना जाए करके थोड़ा ऊपर से, थोड़ा इस तरफ से, थोड़ा इस तरफ से, एक या दो तीन जगहों से काटना पड़ेगा। देखो एक इधर से हो गया, इधर से, तीन जगहों से काट दिया मैंने इसको, और एक जगह से काट रहा हूँ। ये रिप्लेस कैसा करने का है ये बता रहा हूँ मैं इसको, कि यहाँ पे जगह कम है, जो पहले वाला वो निकल रहा है। अब देखिए कट चुका है, उसको चेंज कैसे करने का है, या स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर का जो जो कट्टे वाला भाग है को निकालने का है। स्क्रू ड्राइवर से थोड़े से ताकत लगा, देखो इतने आसानी से निकल गया, और एक दो जगह से निकलना पड़ेगा उसको। देखो यहाँ से भी निकल सकता है शायद अब, हाँ ये निकल चुका है। अब ये यहाँ पे शायद थोड़ा सा बचा है, अब इसको भी निकालेंगे हम। अच्छा ठीक है, अब पूरा निकल चुका है। अब इसको सॉल्यूशन लगाना पड़ता है, उसको होल टाइट भी बोलते हैं। जो यूपीसी का ये यूनियन है 1 इंच का, उसको लगाना पड़ता है सोल्यूशन अच्छी तरह से, क्योंकि वो लीकेज ना हो जाए। अब ये लगा रहा हूँ मैं सोल्यूशन, उसको ये लगाने का, उसको पहले इस तरफ से लगाने का, फिर उस तरफ से लगाएंगे, और अच्छी तरह से उसको सूख देना पड़ता है, अच्छी तरह से उसको साफ फिट करना पड़ता है। ये हो गया। अब उस तरफ का उसको भी अच्छी तरह से सोलवेट लगाना पड़ता है, सोलवेट यानी कि सोल्यूशन, कोई सोलवेट बोलते हैं कोई, अगर इसका प्रॉपर नाम तो सोलवेट है। ये खास यूपीसी के लिए आता है ये यूनियन, को लगाया जाता है। तो उसको भी अच्छी तरह से लगाया हमने, अब उसको टाइट करेंगे। अब उसको पूरे इसके थ्रेड में इसको टाइट करेंगे, तो बस काम अपना हो गया। देखो और यार बहुत तो चोट लग गई है, यहाँ पे तो बहुत सारे कांटे हैं, ना जाने कौन से है, ये क्या है पता नहीं। हाथों में से तो खून निकल रहा है मेरे, दिखाता हूँ तुमको, हाथों में से खून निकल रहा है। देखो इसको काटना पड़ेगा पहले, इस कांटे से न जाने किस चीज़ का पेड़ है ये। यहाँ पे यू ही लगाया था, देखो मेरा हाथ भी कट गया, खून भी निकल रहा है। देखो पहले तो उसको साफ कर देता हूँ, फिर देखेंगे उसको क्या है। बोल सकते हैं चलो ठीक है, हो गया साफ। देखेंगे अब इधर से लगाना पड़ता है उसको, इसको दबा कर ये नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा सा अटक गया है, ये पाइप कम पड़ रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ये बोर का जो ढक्कन है वो उस तरफ चला गया है। हाथों को लग गया है इसके लिए भी मेरे को नहीं हो रहा है, उसको बैंडेज लगाते। अच्छा ठीक है, बैंडेज भी लगा लिया है मैंने। अब देखो आ गया ये, बस उसको अच्छी तरह से टाइट करना पड़ता है। ये हो गया टाइट, बस अपन का काम हो गया है। बहुत एक नंबर, देखो इस तरह से बदल रहा है। अच्छा ठीक है,
हाँ ये रहा, मजबूत हो गया, अब टेस्ट करके देखेंगे। हाँ ये देखो हो गया, ये पूरा हो गया, एक बूंद भी नहीं पानी आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा लीकेज हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से और थोड़ा सा सोलवेट डालेंगे और 1-2 मिनट के उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो थोड़ा थोड़ा, यानी कि 1-2 बूंद टपक रही थी वो पूरी हो जाएगी, वो टपकना बंद हो जाएगा। पहले तो उसको अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा बूंद इसलिए गिर रही थी कि अपने वो पहले तो ग्राइंडर से काटा था उसके लिए उसको थोड़ा थोड़ा घाव लग चुका है करके, इसकी वजह से वो 1-2 बूंद गिर रही थी। अभी उसको सोलवेट लगा लेता और 1-2 मिनट में उसको सूखने के लिए छोड़ देता तो हो जाएगा पूरा काम। उसको अच्छी तरह से सोलवेट लगाऊंगा और ये सूखने के बाद बस ठीक हो जाएगा। चलो ठीक हो गया, हो गया अपना। इसी तरह चेंज किया जाता है यूनियन। आइए अब इसी घर में दूसरा एक जो ग्राइंडर है, नल है, उसको काटना पड़ रहा है, क्योंकि खुल नहीं पा रहा था तो उसको काटना ही अच्छा लगा मेरे को। उसको काटा भी नहीं क्योंकि अगर वो पाइप टूट जाता था तो टूटी नहीं निकल रही थी, अब काट दिया उसको। अब तो मैंने पिछले वीडियो में तो मैंने बता दिया था कि टूटी हुई टोटी कैसे चेंज करते हैं। तो अब देखो इसके अंदर से ब्लेड से उसके अंदर से काटना पड़ता है, 1-2 जगह पे काटना पड़ता है। देखो कुछ इस तरह से मैं काट रहा हूँ। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो जाके देखिए, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये रहा, एक जगह पे काट दिया मैंने। तो जो पिछला वीडियो मैंने जो बताया था वो पीवीसी का था, जो उसकी नल की टोटी थी वो पीवीसी की थी, वो आसानी से कट गई थी। यहाँ पे पूरा जीआई का आ गया, नहीं कि ब्रास का है, ये पूरा करके नहीं कट रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। 1 घंटा पूरा हो चुका मुझे काटते काटते समय। 1-2-3 जगह पे मैंने काट दिया उसको, 2 जगह पे काटने के बाद भी नहीं निकल रहा था और 3री जगह पे काटना पड़ा उसको। कुछ टाइम तो बहुत लग गया, इसलिए वीडियो ज़रा ज़्यादा बड़ी हो रही है। देखो एक जगह से हो गया, अब दूसरी जगह से काटना पड़ेगा। ये दूसरी जगह से काट रहा हूँ, अब देखेंगे निकलता है या नहीं। 2 या 3 जगह से तो मैंने काट दिया है। अब स्क्रू ड्राइवर लेंगे, 2 जगह से तो काट दिया मैंने, अब स्क्रू ड्राइवर से देखेंगे कि सहायता से निकलता है या नहीं। ये तो आसानी से निकल गया है मगर बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको और एक जगह पे काटना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो नहीं निकल रहा है, और शायद उसको 1-2 जगह पे और काटना ही पड़ेगा। वो तो निकल चुका है आसानी से, ऊपर की तरह से अब काटेंगे। उसके बीच में से थोड़ा सा गैप निकालना पड़ता है। हाँ देखिए अब ये कट गया है, काट रहा हूँ, देखिए क्या होता है, निकलता है या नहीं। देखिए शायद निकल गया। हाँ ये निकल गया आसानी से, निकल रहा है, निकल रहा है पूरा, हाँ निकल चुका है। इसके अंदर का थोड़ा सा वो निकल चुका है, और उसको टेस्टर किया किसी की सहायता से, वजह से निकलना पड़ता है बाहर, और निकल चुका है ये। हाँ ये रहा उसका, अब उसका गैप बन गया है, और वो नीचे का भी निकल सकता है शायद। और ये भी निकल गया आसानी से, ये देखो इस कुछ इस तरह से निकल गया है। अब ये निकलता है या नहीं देखना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर की वजह से उसको थोड़ा छोटी छोटी चोटें मारनी पड़ती है उसके ऊपर। देखते हैं शायद ये निकलता है या और किसी जगह से काटना पड़ेगा।
निकल गया तो ठीक है, नहीं तो और किसी जगह पे काटना पड़ेगा। नहीं निकल रहा है, पेंसिल की सहायता से देखते हैं, अगर निकल गया तो। नहीं निकल रहा है, देखिए घूम घुमा के अगर निकल गया तो निकल रहा है, शायद बहुत चिंगी है। नहीं निकल रहा है, देखेंगे। हाँ निकल चुका, आप निकल रहा है, निकल रहा है। हाँ घुमा घुमा के निकालो उसको। हाँ निकल चुका है, निकल चुका है। तो ये होता है ब्रास का और पीवीसी का। तो साइड में जो नल दिखाई दे रहा है आपको, वो पीवीसी का है। तो कभी भी अगर घर पे लगाना है नल, तो ये ब्रास का ऐसा नहीं मत लगाओ, क्योंकि बहुत परेशानी जाती है, टूट गया तो बहुत परेशान जाती है। तो वैसे ही भी स्टील का लाया मैंने, सॉरी पीवीसी का लाया है, जैसे पहले वाला था वैसा ही मैंने लाया दूसरा, क्योंकि दोनों भी एक साथ अच्छे दिखने चाहिए ना। एक ब्रास का हो गया था, एक पीवीसी का हो गया था। अब ये भी पीवीसी का है, मगर उसके ऊपर स्टील की जैसी पॉलिश दिखाई दे रही है, आपको स्टील के जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, मगर ये स्टील का नहीं है, ये पीवीसी का है। चलो ठीक है, इसको अच्छी तरह से टाइट करते हैं। ये हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।